व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगी, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं, एक वीडियो है जिस पे मेंशन कुछ ऐसे है कि ये बहुत अच्छा हुआ इनके साथ। तो मुझे नहीं पता इस टाइटल का मतलब क्या है, लेकिन हम जो है ना वीडियो देखेंगे और फिर को रिलेट करने की कोशिश करेंगे वीडियो और उसके टाइटल के कंटेंट्स को। तो ये सैफ्रॉन पैट्रियट से है और इनके बहुत सारे क्लिप्स होते हैं, तो हम स्पेसिफिक क्लिप्स के ऊपर ही बात करते हैं। तो पूरा वीडियो देखना हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। आइए देखते हैं 3, 2, 1 इन। मेवात की स्थिति महाराष्ट्र के नागपुर शहर में भी अब नजर आ रही है। आपको बता दें, जहाँ जहाँ हिंदुओं की संख्या कम होती है, वहाँ वहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ती है, वहाँ वहाँ आतंक भी नजर आता है और पलायन नजर आता है। ऐसे ही पलायन के लिए और एक घर नागपुर शहर एक इलाका छोड़ जाते हैं, बजरंग चौक जबरदस्ती छुड़वाया जाता है, निर्माण हो रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये घर है गोखे फैमिली का। इतना बड़ा तो अच्छा सुंदर सा ये घर है, लेकिन इस घर के सामने एक शाप, हम कह सकते हैं कि एक तख्त लगा है जिसमें लिखा है कि ये घर बेचना है। इसमें साफ तरीके से लिखा है, ये मकान बिकाऊ है, मेरा हिंदू होना यह अपराध है, प्रशासन पुलिस संगठन कोई भी मेरे साथ नहीं है, मजबूती से लड़ रहा हूँ, नेबरहुड मुस्लिम साथ नहीं खड़ा है, इसलिए मजबूरी से मैं बेच रहा हूँ। कहना है कि इस दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा हिंदू पैदा होता है। अच्छा, ये आपको किसने बताया? हमने खुद ने देखा है, किसने बताया? जो हमने पैदा किया हमारे को पता है, पहले से हिंदू पैदा होते हैं, फिर उसकी सुन्नत करते और फिर मुसलमान हो जाते हैं। हम ऐसे नहीं करते, हम अपना दीन ही बदलते हैं। हम जो है वही सही है, उसमें खुश है। हम पैसों की लालच में अपना दीन नहीं बदलते। सरकार की तरफ से कोई आता है आपकी मदद के लिए? कोई भी नहीं आता, कोई मदद भी नहीं करता है। हम ऐसे गरीब लोग हैं, आपको बताया ना, हमने ऐसी सड़कों पे जिंदगी गुजारी है, कोई हमारी मदद नहीं करता है, बस ऐसे ही देख के चले जाते हैं। कोई हमारे को कुछ खाने को भी नहीं देते। जो वडेर शाही है ना, उसके पास बहुत सारे टक्के भर के जाते हैं, हम मांगने जाते हैं तो हमारे को बोलते आपके लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए नहीं। हमारी कोई मदद भी नहीं। लोग ये कहते हैं मुसलमान खतरे में, मुसलमान पूरी दुनिया में ये नैरेटिव बना रहे हैं कि मुसलमान भारत में खतरे में। खतरे में है कौन? हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में? और दोनों कह रहे हैं हम शास्त्री जी लग रहे हैं तरेंद्र। हिंदू खतरे में इसलिए है कि 80% होते हुए भी अपना मुल्क एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। 50-50 हिंदू हो गया, कहीं कश्मीर ना हो जाए, कहीं पाकिस्तान ना हो जाए। तो हमारा कहना तो फैक्ट है, अब उनका कहना कितना फैक्ट है वो खुद जाने। ये तो पथराव कर रहे हैं, ये तो साक्षी जैसे कांड कर रहे हैं, ये तो भारत के संतों को सब टारगेट बनाते हैं, ये तो हमारे लिए एफआईआरों की मांग तक करते हैं, ये तो गजवाए हिंद चाहते हैं। अब विषय बुद्धिमानों को, पढ़े लिखे लोगों को ये समझना चाहिए कि खतरे में है कौन। 80% होते हुए हम अपने राम के राज्य में राम की यात्रा नहीं निकाल पाए, 80% होते हुए राम की जन्मभूमि के लिए कई साल अदालतों पर माथा रगड़ना पड़ा। खतरे में हिंदू है कि मुसलमान, ये बुद्धिमान लोग निर्णय लें और हमारी भावनाओं को समझें कि हम हिंदू खतरे में क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें भविष्य का हिंदू, भविष्य का हिंदुस्तान दिख रहा है। ओके, तो ये वीडियो था, आई डोंट नो ये टाइटल ये वाला क्यों लिखा गया था, लेकिन इसका टाइटल तो ये होना चाहिए था कि हिंदू खतरे में है। अब हम बात करते हैं, पहला वीडियो था पलायन पे, जिसका मैंने ये मतलब निकाला है कि वो जो होता है ना, किसी को ज़बरदस्ती मजबूर कर देना कि वो अपना एरिया छोड़ के जाए। तो वो नेबरहुड शायद मुस्लिम था, महाराष्ट्र का, नागपुर का, और वहाँ पे उसको डेफिनेटली इतना तंग करते होंगे कि भाई ने पोस्टर ही लगा दिया कि भाई मैंने ये जगह बेचनी है, किसी ने ख़रीदनी है तो ख़रीद लो, और रीज़न भी लिख दिया। तो पुलिस, और मुझे नहीं पता वहाँ की पुलिस किस तरह से काम कर रही है, लेकिन यार एक बंदा आपकी हेल्प मांग रहा है, उसको एटलीस्ट प्रोटेक्शन तो दो। फिर जब लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम खतरे में है, तो फिर वहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं फिर ये क्या है। और जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि 80% होने के बावजूद अगर वो जो है ना सनातनी एक मुल्क
नहीं कह पा रहे इसको, और जो है ना अपनी हकूमतें होने के बावजूद भी अगर जो है ना कैसे कहूँ इस चीज़ को कि मतलब सेकुलर स्टिल कहा हुए, तो इससे बड़ा और क्या होगा यार। मतलब देखो ना, मैंने कई वीडियोस में पहले भी बात की है कि जहाँ भी मुस्लिम 50% होते हैं या 51, हुकूमत आने की देर होती है, तो अगले दिन वहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक का टैग लग जाते हैं। आप देख लें, आप पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, ठीक है, ये आसपास के जितने भी आपके ममालिक हैं उसमें देख लें मुस्लिम ममालिक में क्या सीन है, और उनकी हिस्ट्री निकाल के देख लें कि जैसे ही आबादी का रेशो चेंज हुआ, चलो जी हुकूमत। तो एक तरफ 80% आबादी एक मुल्क में है, और स्टिल अगर वो मांग करें और आप कहें नहीं जी नहीं, माइनॉरिटीज़ को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये ज़्यादती है। और मेरे ख्याल में उनको पूरा राइट है कि वो एक इसको हिंदू राष्ट्र बनाएं और उसके लिए आवाज़ उठाएं और कोशिश भी करें, क्योंकि उनका राइट है यार। वो आप और मैं ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ट्रू डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं तो फिर मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, ये भी आपको रूल मानना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप एग्री करते हैं कि नहीं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।